रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच आखिर क्यों नेटो यूक्रेन से कह रहा है कि वो अपनी जमीन रूस को दे दे? क्या रूस और नेटो के बीच कोई बड़ा समझौता हो गया है? और यूक्रेन आखिर क्यों कह रहा है कि नेटो के दबाव को यूक्रेन मरते दम तक नहीं मानेगा? क्या अब ये मान लिया जाए कि अब नेटो रूस के सामने यूक्रेन का सरेंडर करा देगा? रूस का दलाल बना डरपोक नेटो, 17 महीने से ज्यादा की जंग के बाद यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों नेटो रूस के पक्ष में बयान दे रहा है। को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नेटो कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन में जितने बड़े इलाके पर कब्जा किया है उसे रूस को दे दो। आखिर नेटो की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो यूक्रेन से कह रहा है कि अगर नेटो में शामिल होना चाहते हो? आखिर नेटो यूक्रेन के ऊपर इतनी बेतुकी शर्तें क्यों लगाने पर आमादा है? रूस को जमीन दो, नेटो में शामिल हो। हैरानी की बात तो यह है कि नेटो 17 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को 20 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार दे चुका है। अब तक नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के घातक हथियार और मिसाइलें दे चुके हैं। कुल मिलाकर 81 देश यूक्रेन को अब तक 600 तरह के डेडली वेपन दे चुके हैं। अब अचानक नेटो रूस के पक्ष में यूक्रेन पर दबाव क्यों डाल रहा है? ये खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके टॉप जनरल्स को समझ नहीं आ रहा। हम आपको नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग के निजी कार्यालय के डायरेक्टर स्टियान जेनसेन का बयान दिखाएंगे, जिसमें यूक्रेन पर जबरदस्त दबाव बनाते हुए साफ कह रहे हैं कि अगर नेटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता है तो यूक्रेन को रूस के कब्जे में मौजूद सभी जमीन और इलाकों से अपना दबाव छोड़ना होगा, अपना दावा छोड़ना होगा। हार रहा यूक्रेन, नेटो ने मारा खंजर। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जिस वक्त यूक्रेन पर सबसे ज्यादा भयानक और तबाही वाले हमले कर रहा है, ऐसे वक्त में नेटो यूक्रेन पर बेतुकी शर्तें क्यों थोप रहा है? जानकारों के मुताबिक रूस ने एक तरह से यूक्रेन से जंग जीत ली है और अब नेटो अपनी नाक बचाने के लिए ऐसे रास्ते तलाश रहा है ताकि दुनिया ये भी देख ले कि नेटो में यूक्रेन शामिल हो गया है और दुनिया ये भी समझ ले कि रूस यूक्रेन से जीत गया है। यानी नेटो रूस के सामने डरपोक साबित होता जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि नेटो महासचिव के निजी कार्यालय के डायरेक्टर स्टियान जेनसेन ने यूक्रेन पर क्या दबाव बनाया है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग के निजी कार्यालय के डायरेक्टर स्टियान जेनसेन ने यूक्रेन पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। स्टियान जेनसेन ने रूस के पक्ष में या कहें कि रूस को फायदा पहुंचाने वाला बयान दिया है। स्टियान जेनसेन ने यूक्रेन को सुझाव देते हुए कहा है, मुझे लगता है कि यूक्रेन के लिए सबसे अच्छा समाधान यही हो सकता है कि वो उन इलाकों को छोड़ दे जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। बदले में यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल जाएगी। स्टियान जेनसेन ने यहां तक कह दिया कि ये यूक्रेन पर निर्भर होना चाहिए कि वो कब और किन शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। स्टियान जेनसेन के बयान पर यूक्रेन भड़क गया है। यूक्रेन का दुश्मन बना नेटो। नेटो से जुड़े एक टॉप अधिकारी का इस तरह के बयान से सवाल उठते हैं, आखिर यूक्रेन की आड़ में नेटो क्या खेल कर रहा है? जानकारों के मुताबिक नेटो को अच्छी तरह से पता चल गया है कि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों पर अच्छी तरह से कब्जा कर लिया है जहां से रूस की सेना को खदेड़ना अब यूक्रेन के बस की बात नहीं रह गई है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों नेटो से जुड़े अधिकारी यूक्रेन से कह रहे हैं कि रूस को अपनी जमीन दे दो। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस ने 17 महीने की जंग में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस का दावा है कि उसकी सेना ने 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। क्राइमिया में रूस 2014 से ही कब्जा जमाए बैठा है।
17 महीने की जंग में पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर यूक्रेन अभी तक दोबारा कब्जा नहीं कर पाया है। यहां तक रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना ने ट्रिपल लेयर डिफेंस लाइन बना रखी है। यूक्रेनी सेना अभी तक रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को नहीं तोड़ पाई है और ना ही नाटो के घातक हथियार रूस की सेना को तबाह कर पाए हैं। रूस का दलाल बना डरपोक नाटो। नाटो के ताजा बयान और तेवरों से साफ हो चुका है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड समेत सभी 31 देश इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि रूस को हराना बहुत मुश्किल है और यूक्रेन के पास अब तेजी से हथियार खत्म हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि यूक्रेन के हथियार लगभग खत्म होने वाले हैं और नाटो की तरफ से सप्लाई होने वाले हथियारों की रफ्तार बेहद धीमी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन को अब नाटो ज्यादा घातक मिसाइलें, टैंक, तोप, रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा, क्योंकि नाटो इस बात से बेहद नाराज है कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक फेल हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा वक्त में यूक्रेन की सेना अभी तक रूस की पहली रक्षा पंक्ति को ध्वस्त नहीं कर पाई है। इसीलिए नाटो के अधिकारी यूक्रेन को सुझाव दे रहे हैं कि यूक्रेन को रूस की जमीन दे दो, बदले में यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर के प्रमुख माइखाइलो पोडोलियाक ने नाटो पर जबरदस्त गुस्सा दिखाया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के शीर्ष सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाक ने नाटो पर जमकर भड़ास निकाली है। पोडोलियाक ने ट्विटर पर लिखा, लगता है नाटो छत्रछाया में सिर्फ व्यापारिक क्षेत्र है। ये हास्यास्पद है। इसका मतलब है जानबूझकर यूक्रेन के लोकतंत्र की हार को चुनना है, एक वैश्विक अपराधी को प्रोत्साहित करना है, रूसी शासन को संरक्षित करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को नष्ट करना है, युद्ध को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना है, भयानक रूसी हथियारों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। पोडोलियाक के कहने का साफ मतलब यह है कि हम नाटो के दबाव में ना तो रूस से हार मानेंगे और ना ही रूस को यूक्रेन की जमीन देंगे। रूस को जमीन दो, नाटो में शामिल हो। इधर नाटो यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि वो रूस को अपनी जमीन दे और नाटो में शामिल हो। उधर रूस जेलेंस्की के यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जेलेंस्की अब पूरी तरह से हताश होते जा रहे हैं। Триває рятувальна операція в Покровську, Донецьку область. Після російських ракетних ударів ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким. रूस का दलाल बना डरपोक नाटो। इधर यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खारकियों में रूस ने भारी तबाही मचाई है। यहां पर रूस के 1,00,000 सैनिक, 1200 टैंक, 555 तोप और 377 रॉकेट सिस्टम के साथ यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहे हैं। यहां भी नाटो के हथियार नाकाम साबित हुए हैं। वहीं यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में स्थित यूक्रेन के ओडेसा में मौजूद सबसे बड़े बंदरगाह को रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरी तरह से तबाह कर डाला है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमलों से ओडेसा में 10 लाख टन अनाज बर्बाद हो चुका है। नाटो के 20 लाख करोड़ के हथियार रूस के हमलों के सामने फेल हो चुके हैं। नाटो के हिमार्स रॉकेट, लेपर्ड 2 टैंक, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ब्रैडली बख्तरबंद वाहनों के चीथड़े रूसी सेना उड़ा चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 4 जून 2023 से रूस के खिलाफ चल रहे यूक्रेन के काउंटर अटैक की हार पर नाटो चुप क्यों बैठा है, जबकि रूस डंके की चोट पर राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर बेखौफ हमले कर रहा है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. अब डिफेंस एक्सपर्ट भी साफ कहने लगे हैं कि यूक्रेन पर नाटो इसीलिए जमीन देने का दबाव बना रहा है कि अगर रूस ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो रूस फिर सीधे तौर पर नाटो के लिए खतरा बन जाएगा
और रूस का अगला टारगेट पोलैंड होगा, जिस पर रूस अभी भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसीलिए नाटो ने यूक्रेन को समझाने की कोशिश भी की कि पूरा यूक्रेन रूस के हाथों जाने से अच्छा है कि यूक्रेन 20 से 35 फीसदी का नुकसान झेल ले और नाटो में शामिल हो जाए। इससे युद्ध रुक जाएगा और यूक्रेन को अपनी ताकत और फौज को मजबूत करने का वक्त मिल जाएगा।